ईयर ड्रम परफोरेशन, कान के पर्दे में छेद की समस्या एंड रिकवरी एंड उसका ट्रीटमेंट। यस दोस्तों, बात करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये दिए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आने वाले ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों, हमारा कंट्री इंडिया, अभी भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनके कान के पर्दे में छेद है, कान की जो है ईयर ड्रम है उसमें होल है। दोस्तों, कान के पर्दे में छेद जो होता है उसके बहुत सारे जैसे कारण होते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा जो ईयर ड्रम गोड ने बनाया है, जो कान का पर्दा है, वो हमारे अंदर वाले ईयर को सेफ्टी से रखता है एंड उस पर्दे में जो वाइब्रेशन होते हैं उसके कंपन के कारण हमें कुछ सुनाई देता है। कान के पर्दे में दोस्तों छेद होता है तो यूजुअली पेशेंट को ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वो लिंगर ऑन चलता रहता है। जब पेशेंट को बोला जाता है, पेशेंट कहता है सर मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसका दूसरा कान ठीक होता है। पर दोस्तों, वो जो छेद होता है उसके कारण स्नेह हमारा जो ईयर ड्रम, जो हमारे कान की सुनाई है, जो हमारी नर्व है, वो डैमेज होती जाती है एंड कान के अंदर हमें लंबे समय के बाद में सुनाई कम देना एंड कान के अंदर जो है बजिंग साउंड्स आना, कान का बजना एंड बहुत बार क्या है चक्कर आना, और बहुत बार क्या होता है कि कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस जो है और क्रिएट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे को इसका इलाज कराना है, उसके लिए क्या करना है। दोस्तों, इसके लिए क्या होता है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो एक तो क्या है कि एक कान का एक हड्डी का एक्सरे कराया जाता है, दूसरा एक पीटीए का टेस्ट कराया जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी बीमारी कितनी है और हमारे सुनाई का नुकसान कितना है, सर्जरी के बाद हम इसको कितना रिकवरी कर लेंगे। बात मुद्दे की दोस्तों ये है कि इसकी सर्जरी के लिए पेशेंट को डर लगता है, क्योंकि पेशेंट को लगता है मेरे कान के पर्दे में चीरा जो है ऑपरेशन के लिए पीछे चीरा लग जाएगा, मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरे को निशान, बिकॉज वी ऑल आर द कॉस्ट सो कॉन्शियस फॉर आवर बॉडी एंड होना भी चाहिए। सो दोस्तों, विज्ञान के आविष्कार के कारण जो इसका इलाज है वो एक दूसरी एक टेक्निक होती है, एंडोस्कोपिक टिम्पेनोप्लास्टी, एंडोरल टेक्निक से, जिसमें कान के पीछे चीरा नहीं लगता एंड वो दूरबीन के माध्यम से किया जाता है, कहीं भी कान को पीछे से नहीं खोला जाता, जिससे हमें क्या है कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाता है एंड वो जो एंडोस्कोपिक जो टेक्निक्स है उसमें हमारे जो एक यहाँ मसल होती है उसकी एक लेयर होती है, उसको लेके वो जो है वो कान का जो पर्दे में जो सारी अंदर की जो बीमारी है उसको हटा के जितनी हमारी सुनाई का लॉस हो गया उसको भी ठीक किया जाता है एंड उसमें एक पर्दा लगा दिया जाता है, जिससे हमारा जो होल था वो ठीक हो जाता है और हमारी सेफ्टी जैसी हमारी पर्दे के छेद के पहले थी वैसी वापस बन जाती है। उसके बाद आप स्विमिंग कर सकते हो, उसके बाद आप जो वजन उठा सकते हो, उसके बाद आर्मी में जा सकते हो, आपको कोई डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। पर दोस्तों, उसकी रिकवरी के लिए आप ये मान के चलिए कि आज जैसे अगर मान लो हम सर्जरी करते हैं तो उसके करीब करीब 20 दिन बाद आप मेडिकल में जाने लायक हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपने 10 दिन बाद ही उसमें मेडिकल में जाने लायक हो सकते हैं। अगर आपका आर्मी का इश्यू है तो, अगर आपका आर्मी का इश्यू नहीं है तो दोस्तों आपको जो है वो रूटीन अपना काम काज आप 10 दिन बाद सारा कर सकते हो, 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए। अमूमन एक ईयर के ऊपर एक बैंडेज रहती है, खाना पीना, घूमना फिरना, जिम जाना, सारे दोस्तों आप काम कर सकते हो। सो रिकवरी टाइम की बात करते हैं तो 7-10 डेज के बाद आप रूटीन काम कर सकते हो, आर्मी में जाना है तो आपको दोस्तों 21 दिन बाद। सो दोस्तों, देखा आपने ईयर ड्रम में जो परफोरेशन है उससे हम जो डर के बैठे हुए हैं, हमें इलाज नहीं कराना, हमें कान के पीछे जो है वो चीरा लग जाएगा, मेरा कान कट जाएगा, इस डर के मारे दोस्तों आज ही हमें जागना है और हमारे ईयर ड्रम में प्रॉब्लम है तो हमें ऐसी जगह आइडेंटिफाई करनी है जो दूरबीन से उसकी सर्जरी कर सके, कान से चीरा नहीं लगाना, जो हमें आर्मी में प्रॉब्लम नहीं आए एंड डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट फॉर योर प्रॉब्लम। सो यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द ईयर ड्रम परफोरेशंस। थैंक यू।